यही है कि दो सीटें हमारी हैं, क्योंकि अकेला मैं नहीं जा रहा, साथ में मेरे पापा भी जा रहे हैं। यही है, चलो आज ये है कि मेरे को अकेलापन फील नहीं होगा। वैसे तो मैं इतनी लंबी जर्नी अकेला ही करता हूँ, इस साथ इसमें मतलब कोई तो होगा साथ मेरे। पानी तो भैया अब अंदर आ गया, चलो भाई अब क्या ही करते। बठिंडा से निकली, मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से ना धुआं निकलता था, मैं डर गया था, मुझे लगा कोच में आग लग गई है। बाद में आके देखा तो ये अगरबत्ती जला के रखी हुई है किसी ने। मैं अंदर भागने लगा था, बताने लगा था कि भैया कोच में आग लगने वाली है। फ्लड से क्या सिचुएशन हुई पड़ी है यहाँ पर, ये देख लो भाई, क्या पूरा गाँव डूबा पड़ा उस साइड। कुछ लोग है ये 100 से ऊपर जाएगा नहीं। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो जी मैं अभी आया हूँ फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर में, और मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं आज किस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। मतलब इस ट्रेन से मैं पिछले साल से ट्राई कर रहा हूँ कि यार इसकी जर्नी करूँ, यार कभी लॉन्ग जर्नी की नहीं इसकी। मतलब पिछले साल मैंने प्लान किया था इसकी, मैंने जर्नी मैंने बुकिंग भी करवा दी थी यहाँ से, मतलब फिरोजपुर से पाटलिपुत्र करवाई थी, फिर वो कैंसिल हो गई। मैंने सोचा यार करूँगा तो फिर फुली करूँगा यार किसी टाइम इसकी। फिर मैंने इस साल ऑलरेडी इसकी जर्नी कर ली थी, तो बताया था मैंने कि वो किसी वजह से आ नहीं पाई थी यार, मेरा क्या था हार्ड डिस्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो सारा डाटा मेरा चला गया। लेकिन आज आज है जुलाई 2023 में, और अब जाके फाइनली इसकी जर्नी आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिरोजपुर से चलकर आगरतला को जाने वाली त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। जी हाँ, तो नमस्कार सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत आज लेके मतलब काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद लंबी जर्नी आ रही है मेरी, तो एंड तक बने रहना, मज़ा बहुत आने वाला है। अभी 12:15 के करीब टाइम हो रहा है, गाड़ी तो भैया एक नंबर पे लगी हुई है, मतलब एक नहीं दो, एक और दो दो नहीं है, क्योंकि एक आगे और एक पीछे ऐसे करके लगा हुआ है। अभी मैं कुछ ही ऐसे मतलब फुट ओवर ब्रिज पे आया हूँ, ये वैसे फुट ओवर ब्रिज है नहीं एक तरह का, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म पे भी उसकी सीढ़ियाँ जाती होती, इसकी भी एंड टू एंड नहीं है, सिर्फ बस शुरू हो रही हैं और बस ख़त्म है, ये वैसे ही है बस जाने के लिए रेल के ऊपर, एंड टू एंड ही होने वाली है, ये तो पता लग ही गया होगा। मतलब अब मेरे को कुछ 57 आवर्स समथिंग कुछ लगेंगे, मगर काफ़ी टाइम से मैं इसका लोकेशन चेक कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी जब मैंने किया था इसका फुल जर्नी, तब ये मतलब इसने रात को 2:30 बजे पहुँचाया था मेरे को आगरतला, 10:45 का पहुँचने का टाइम है इसका। चलो वैसे इसके निकलने में तो अभी आधा घंटा पड़ा है, मैंने सामान ऑलरेडी लगा ही लिया हुआ है क्योंकि लंबी जर्नी है, तो सामान भी ज़्यादा ही था, यही था भाई A1 कोच। तो भैया अब यही है अगले 57 आवर्स, यहाँ मान के चलो 60 घंटे के करीब है, क्योंकि ये तो लेट होनी है। यही अपना ठिकाना, सीट अपनी ये है और ये है, मतलब एक नंबर और तीन नंबर। उसका रीज़न यही है कि दो सीटें हमारी हैं, क्योंकि अकेला मैं नहीं जा रहा, साथ में मेरे पापा भी जा रहे हैं, तो यही है, चलो आज ये है कि मेरे को अकेलापन फील नहीं होगा। वैसे तो मैं इतनी लंबी जर्नी अकेला ही करता हूँ, इस साथ इसमें मतलब कोई तो होगा साथ मेरे। जो इस ट्रेन का नाम है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। त्रिपुरा सुंदरी दो अलग अलग वर्ड है, एक त्रिपुरा और एक सुंदरी। अब इसका मतलब बताता हूँ, त्रिपुरा भी दो वर्ड से जुड़ा हुआ है, त्री मतलब थ्री, पूरा मीन्स शहर, तीन शहर जैसे, और सुंदरी मतलब सुंदर स्त्री मतलब ब्यूटीफुल वुमेन, तो पूरा मिला के बनता है तीनों शहरों में या गांव की सबसे सुंदर स्त्री उसका होता है त्रिपुरा सुंदरी। बेसिकली एक हिंदू गॉडेस का नाम है, जो कि एक टेंपल है, मतलब अगरतला जहाँ ये ट्रेन जाएगी ना वहाँ से कुछ दूरी पे एक टेंपल है, उदयपुर एक करके जगह है, वहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का एक टेंपल है, उस वहाँ उन देवी की पूजा की जाती है, तो वहाँ से इसका नाम रखा गया त्रिपुरा सुंदरी। हालांकि ये ट्रेन 2016 से चलनी शुरू हुई थी, तब तो ये मतलब आनंद विहार से अगरतला जाती थी, फिर मैंने जब वीडियो बनाई थी इसकी आज से 2 साल के करीब पहले, तब ये ट्रेन पहली बार एक्सटेंड हो गई कोविड के बाद, पहले दिन चली थी फिरोजपुर से आगरतला चली, और उसी दिन मैंने एक दिन ये बात ठान ली थी कि कभी ना कभी यार मैंने वो तो चलो शॉर्ट जर्नी की थी, कि एक दिन कभी ना कभी इसकी फुल जर्नी जरूर करूँगा। एक तो ये इकलौती ट्रेन है ना यहाँ से फिरोजपुर से लेकर के जो भी यूपी बिहार वाली साइड जो जाती है ना, वैसे तो एक आधी और भी गंगा सतलुज, लेकिन कटिहार पटना वाली साइड इकलौती यही ट्रेन है, तो पूरे जो लोग यहाँ के जो मतलब काम करने लोग दूर दूर से आते हैं मोस्टली यूपी बिहार से, वो इसी ट्रेन के सहारे रहते हैं। आगे आया था ड्यूल लोगों लगे हुए यार, एक तो WDG-4 है, एक ये भी WDG-4D, ठीक है ही है, तो बोले का बात छट गई। और बाकी अगर मैं इलेक्ट्रिफिकेशन का बताऊँ आपको अपडेट दूँ, तो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स तो यहाँ पे लग ही चुके, जब मैंने पिछली बार की थी जब मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, इसी साल मैंने जैन एंड में की थी, तब ये वाले पोल्स तो नहीं लगे थे, हालांकि रास्ते में लगे हुए थे काफ़ी, अभी तो ये सब चीज़ें चल ही रही हैं, और उसके लिए इन वायर्स को भी रिमूव करना पड़ेगा, जो वैसे इलेक्ट्रिसिटी की वैसे वायर्स हैं स्टेशन की सप्लाई के लिए, इनको पहले रिमूव करना पड़ेगा, और एक आगे ब्रिज है वो गिराना पड़ेगा जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, तब जाके पूरा सिनेरियो इलेक्ट्रिफिकेशन का होगा। लुधियाना से यहाँ भी चल रहा था जब मैं लुधियाना से यहाँ सुबह आया हूँ। चलो भाई
5 मिनट डिले ही सही, 1:30 बजे हो रहा है हमारा फिरोजपुर से डिपार्चर। अब एक और लंबा सफ़र शुरू हो रहा है, मतलब अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी मेरी होने वाली है किसी ट्रेन में। इससे कम मैंने किया 52 आवर्स की, वो भी कर्नाटका संपर्क क्रांति में चंडीगढ़ से कोची बनी। आज से साल से ऊपर होगा मेरे को किए हुए, वो भी 2 घंटा लेट पहुँची थी, और इसका तो पता है 60 घंटे से ऊपर इसने लगा ही देने। चलो भाई, अब दिक्कत पता क्या है मेरे को, वो नहीं होता चैलेंजिंग, पता क्या काम होता, अगर किसी को नॉर्मल पर्सन को करनी है जर्नी तो उसके लिए ठीक है, वो उसको बैठना है, लेकिन आपको क्रिएटर जैसे कर, जैसे मैं, अगर मेरे को रिकॉर्ड भी करना साथ में, सब कुछ आसपास सब कुछ देखना पड़ेगा मेरे को, तो ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है कि कब क्या करना है, थोड़ा बहुत बस यही है, बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जी अभी वैसे चले हुए इसको 15-20 मिनट भी नहीं हुए, हम तो अपना लंच करने लगे हैं, जो कि अपना घर से ही लेकर आए थे। वैसे यही, इसी से हमने सुबह का ब्रेकफास्ट भी किया था और इसी में हम लोग लंच करें। सुबह पराठे थे, इस बार बस रोटियाँ ही हैं, और कुछ फ्रूट्स हैं हमारे पास, मैंगो हैं और आलू बुखारा। मतलब घर से ले, मतलब जब भी लंबा सफ़र था ना, हम घर से तो कुछ लेके निकलते हैं, बहुत कुछ पनीर की सब्ज़ी है दोनों में ही। चलो आज मेरा और पापा का यही लंच होने वाला है। किसी ट्रेन में फर्स्ट टाइम ऐसे कोई फ्रूट काट के खाने लगा, वैसे तो हम लोग कटा कटाए बाहर से ही लेते हैं, लेकिन ट्रेन में ना खाने का अलग ही मजा है। आम तो भैया ऐसे ही निकले वैसे भी, क्योंकि ऐसे ही खाने पड़ते हैं, ज़्यादा गल चुके हैं। अभी महीना जुलाई का चल रहा है और आम का मौसम तो लगभग जाने वाला, तो ऐसे ही मिलेंगे इस टाइम पर। वैसे खाने में इतना बुरा भी नहीं है ये, फिर भी मज़ा आ रहा है खाने में, बस ये है कि ठंडा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को आता है फ्रिज में रखे हुए आम खाने की। इस ट्रेन की एक बात तो मैंने देखी है, जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, जो ब्लैंकेट रखे गए ना नीचे वाले ब्लैंकेट, देखो पूरा पैकेट में भी रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है नए खरीदे जैसे कभी, है ना, ऐसा लग रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ब्लैंकेट भी पैक्ड आए हैं लिफाफे में ऐसे, अब तक तो बेडशीट्स आती थी, जो कि वो भी है, मेरे को सही लग रहा है। तो भैया अभी 1:15 के करीब टाइम हो रहा है, हमको चले हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी, तो कोटकपूरा पहुंची, इसका सेकंड स्टॉप है ये फिरोजपुर से, पहला फरीदकोट निकल गया था। यहाँ पे एक गाय बैठी हुई है यहाँ पे स्टेशन पे ही, मेरे कोच का तो मतलब बाहर निकला ये दिखी मेरे को, बाहर आ गए तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे ना मेरे को तो फिरोजपुर पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि मौसम ना पहले तो बरसात वाला मौसम ही था काफ़ी, अभी मतलब धूप वाला वगैरह हुआ है, और इसी वजह से ना बरसात के मौसम की वजह से मेरा हो सकता था कि ये ट्रिप कैंसिल हो जाता। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही एर्नाकुलम से आया था मसला लक्षद्वीप में, मैं तो सोच चुका था कि ये मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन फिर अब थोड़ा न्यूज़ आ रहा था कि लेवल थोड़ा घटा है पानी का, तो फ्लड ज़्यादा सिचुएशन अब ज़्यादा रहा नहीं है, है तो है ऐसा नहीं है, यमुना तो अभी भी फुल थोड़ा बहुत ऊपर है कोई यमुना का लेवल, अगर रात को पॉसिबल हुआ तो दिखा दूंगा। फिरोजपुर जंक्शन से लेकर, मतलब फिरोजपुर कैंट जंक्शन से लेकर बठिंडा जंक्शन के बीच आने वाला इकलौता जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से 3 अलग अलग रूट निकलते हैं, एक जहाँ से हम फिरोजपुर वाली लाइन आ रही है, एक जहाँ बठिंडा वाली लाइन सीधा जाएगी, और एक यहाँ से एक इस साइड से आ रही है फाजिलका साइड। अभी कोटकपूरा से तो ये निकली है, लेकिन एक दिक्कत वाली बात पता क्या हुई है, यहाँ पे मेरे कोच में ना पानी बहुत हो गया, क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ पर जो ये जो सिंक लगा हुआ है ना, इसका पाइप नीचे से खुल गया, अब ये मैं अगर पानी चलाऊंगा ना तो सारा पानी वहाँ से यहाँ गिरेगा। अभी मैं खाना खाया था तो प्लेट्स वॉश करने आया था ना, मैंने अभी एक प्लेट ही थोड़ी बहुत पानी चलाया था, तो पूरा पानी हो गया। उसके बाद फिर मैं अगले कोच में गया, वहाँ जाके अपना वो वॉश किया सब कुछ, और उसके बाद अपने कोच में आया हूँ। तो अभी हाउस कीपिंग स्टाफ को बोला है, वो कह रहे कि कहेंगे जो यहाँ के जो मतलब बेड रोल देते हैं, वो कह रहे थे अभी हाउस कीपिंग को बोलेंगे तो वो कुछ इलाज करेंगे अभी इसका आके। तो कोट का पूरा तो अभी निकल चुका है, बाकी जो मैंने पानी का आपको बोला था ना भाई, वो अंदर भी आ चुका है, रिसना अंदर शुरू हो चुका, पूरा अंदर आ चुका है लगभग से, यहाँ तक तो फैल ही चुका है पूरा, अभी हो सकता है अंदर भी आ जाए। बाकी उसको बोला है भाई जल्दी से कुछ जुगाड़ करें इसका। तो जी अभी लगभग कह लो 2:45 से ऊपर टाइम हो गया है, ये जो बड़े बड़े चिमनी साहब देख के बस गैस करके बता दो कि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं, आगे पता चल जाएगा। तो भैया अभी 2:45 से ऊपर टाइम हो गया, और ये जो थर्मल प्लांट देख के आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। जी हाँ, वहाँ पर लिखा भी हुआ है SSP बठिंडा पे। भैया टाइम से कुछ टाइम पहले ही हमारी गाड़ी आ गई है बठिंडा पे,
देखो भाई, जैसा मैंने फिरोजपुर पे भी कहा था, गाड़ी अपनी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। बठिंडा के रेलवे स्टेशन पे फर्स्ट एसी का कोच तो इसका बिल्कुल भी नहीं आया, और जो लास्ट वाला ईओजी वो भी नहीं आया, सिर्फ लास्ट थर्ड लास्ट का तक का कोच आया बस। इसका 3:05 का टाइम था, 3:02 पे ही आ गई है। वैसे भी इसका 20 मिनट का स्टॉप है, 3:25 पे चलना है इसने, और अब 2-3 मिनट और मिलेगा, मतलब आराम ही आराम है अब तो। यार ये आराम ज़्यादा देर तक रहा नहीं रहा, क्योंकि यार बाहर गर्मी बहुत है और अंदर एसी लगा हुआ था। ये जो रेलवे स्टेशन बठिंडा का है ना, पंजाब का सबसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। एरिया वाइज देखा जाए तो ट्रैफिक ज़्यादा इतना नहीं है, मैंने पहले भी बोला ये बात, यहाँ पे इतना ट्रेन का ट्रैफिक नहीं है। लुधियाना सबसे बिजिएस्ट रहता है, 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 6 अलग अलग रूट निकलते हैं। यहाँ से इस साइड से देखा जाए 2 रूट हैं, उस साइड 4 है। यहाँ से एक ऐसे अबोहर होते हुए श्री गंगानगर राइड, मलौट अबोहर होते हुए श्री गंगानगर निकलते हैं, और एक सीधा फिरोजपुर से हम लोग आ रहे हैं। और अगर मैं मतलब जिस साइड अभी जाना है, यहाँ से सबसे इस तरफ राइट साइड वाली, मतलब हमारा अगर देखा जाए तो लेफ्ट हुआ, पहले जाएगी सीधा धूरी होके, फिर आगे पटियाला राजपुरा होके जाएगी, फिर एक जाती है यहाँ से मानसा होकर के जाखल को, जो कि जींद होकर फिर आगे रोहतक को कनेक्ट करेगी, और फिर एक जाएगी यहाँ से सीधा एक जहाँ से हम जाएंगे सिरसा, कालनवाड़ी, रोहतक वगैरह, मतलब हिसार वगैरह वही जाएगी, और एक जाएगी यहाँ से सीधा हनुमानगढ़ होते हुए बीकानेर वाली साइड पे। टोटल 6 रूट निकल रहे हैं। अभी पता नहीं क्या गाड़ी को आगे पीछे बहुत कर रहे हैं ना, अभी टाइम तो हुआ नहीं इसका निकलने का। अभी क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत मूवमेंट आगे फिर कर दी थी, अब वो फर्स्ट एसी का कोच भी पूरा प्लेटफॉर्म पे आ चुका है अगर पूरा गौर से देखोगे तो। बठिंडा पे आपको छोले भटूरे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इस बार ज़्यादा कोई ले नहीं रहा, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा पैसेंजर अभी बोर्ड हुए नहीं है। मेरे को ये बात नहीं समझ में आती, इसको इतना लंबा हॉल्ट दिया क्यों है? अब तो चलो निकल चुके 20 मिनट का हॉल्ट, ना तो यहाँ का इसका लोको पायलट ज़्यादा कोई चेंज होना, ना मेरे हिसाब से कुछ इसका मतलब कोई लोको चेंज होना या रिवर्सल होना, कुछ भी होना है। अमृतसर अजमेर में भी मैंने यही बात बोली थी यार। अभी मतलब बठिंडा से निकली, मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से ना धुआं निकलता था, मैं डर गया था, मुझे लगा कोच में आग लग गई है। बाद में आके देखा तो ये अगरबत्ती जला के रखी हुई है किसी ने, पता नहीं क्या वही चल रहा है। एक तरफ एक टाइम के लिए तो मतलब मैं डर गया था, मैं अंदर भागने लगा था, बताने लगा था कि भैया कोच में आग लगने वाली है, अलग ही है भाई। अब देखो भैया, बठिंडा के ना बाहर एक कैबिन पड़ता है जहाँ पर आपको डायमंड क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। वैसे डबल डायमंड क्रॉसिंग तो सिर्फ नागपुर या पूरे एशिया में, सिंगल एक यहाँ पर भी मिलेगी, और एक आधी जगह और इंडिया में। ये देख लो भाई, ट्रैक साउंड सुनना जरा, देख रहा हूँ वो बेसिकली बाईपास लाइन है जो जाखल वाली साइड से जो ट्रेनें आती है अगर उनको उस साइड कनेक्ट करती है। आपको एक वो साइड वाली दिखा देता हूँ, वो सीधा वो वाली लाइन निकली है, वो वाली देखो, और एक बाईपास लाइन वहाँ से यहाँ आएगी हमारी साइड पे, ताकि जो ट्रेनों को जाखल साइड से बीकानेर वाली साइड जाना है तो वो सीधा बठिंडा बिना रिवर्सल हुए यहीं से चली जाएंगी, और जो हमारी हिसार से भी जो इन लोगों को बीकानेर वाली साइड जाना वो यहीं से बाईपास ले लेंगी। 4:05 हो रहे हैं और रतनगढ़ कांकवाल पर रुकी है, सिंगल लाइन है भाई क्रॉसिंग के लिए रुकेगी, और तो कोई वजह हो नहीं सकती। मोस्ट प्रोबेबली होगी अहमदाबाद वैष्णो देवी कटरा, क्योंकि मंडे को वही होती है अहमदाबाद कटरा। ये यार डाइवर्टेड होने वाली है, यहाँ से बठिंडा जाएगी, वहाँ से फिरोजपुर तक नॉर्मल जाएगी, फिरोजपुर से ये जलंधर सिटी जाती है, लेकिन वो अभी रूट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जलंधर से लेकर के फिरोजपुर वाला रूट जो है ना, वहाँ पे लोहिया खास वगैरह वहाँ पे पानी हुआ पड़ा है, तो ये वाली जो ट्रेन है ना ये डाइवर्ट होकर जाने वाली, और जिसमें मैं आया था ना फिरोजपुर तक, लुधियाना से फिरोजपुर तक मैं आया था गंगा सतलुज में, वो भी डाइवर्टेड आई थी। वो तो शुक्र हम लोग सतलुज के सहारे बैठे थे, लेकिन उसके आगे आगे ये मिली कि हम उसी में चढ़ के आ गए थे, तो और भी ट्रेनें जो भावनगर उधमपुर भी थी हमको रास्ते में क्रॉस हुई थी, और भी एक आधी हमारे से आगे वेरावल वाली हमारे से आगे गई थी गंगा सतलुज के, जब सुबह मुझे आना था यहाँ फिरोजपुर में, तो आज काफ़ी ट्रेनें डिले मतलब डिवर्टेड वगैरह चल रही है, जो बेसिकली जलंधर फिरोजपुर वाले सेक्शन की डिले चलती है, वो लुधियाना होकर के जा रही है सारी। फ्लड से क्या सिचुएशन हुई पड़ी है यहाँ पर, ये देख लो भाई, क्या पूरा गांव डूबा पड़ा उस साइड का। भाई अभी सरसा पे पहुंची है, कोई नहीं है भाई यहाँ पे ट्रेन को बोर्ड करने वाला, पीछे एसी के कोचेस में कोई नहीं आता अभी। भाई पीछे घग्गर का लेवल देखने वाला था, घग्गर का मतलब पूरा ऊपर आसपास वाले गांव इलाके सब भरे पड़े पानी से वहां पे, और अभी भी सुनने में आ रहा था कि घग्गर के जो पानी का मतलब पूरा लेवल है ना वो आसपास के इलाकों में पूरा फैल चुका है, इस मतलब पूरा 100 एकड़ का इलाका है ना वो खाली कराना पड़ा, उसकी वजह से ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है, इसकी वजह से पंजाब के कुछ इलाकों मानसा वगैरह के इलाकों में भी पानी फैला है इसकी वजह से।
यहाँ पे वैसे फ्री जल सेवा लिखी तो हुई है लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं फ्री जल कराने वाला। से अभी टाइम 6 बजने को आ रहा है शाम के और गाड़ी डिंग पे खड़ी हुई है, क्योंकि क्रॉसिंग है भाई और जिस ट्रेन के क्रॉस करना उसने रुकना भी है यहाँ पे। वैसे मतलब मैं सोच रहा मैंने होता मतलब ये तो चलो मेरी लॉन्गेस्ट जर्नी है ही है, मैं सोचा था इसके मैं 3 पार्ट बनाऊँगा यहाँ से। अब मैं फर्स्ट पार्ट कहाँ तक बनाता हूँ मुझे भी नहीं पता, दिल्ली तक आज के डे का ही बनाता हूँ या कल भी सुबह थोड़ा बहुत कवर करता हूँ वो बाद में देखूँगा। बाकी ये इकलौती जर्नी होने वाली मेरी जिसका मतलब पूरी ट्रेन की जिसमें मेरे 3 पार्ट बनेंगे, अब तक जितने भी की उसमें 2 ही पार्ट रखे मैंने। बाकी चलो अभी शाम की चाय अभी ली है, मैं तो चाय की पीने के चक्कर में आया था और यहाँ देखा तो ट्रेन तो आई भी हुई है। ये वही है मेरठ श्री गंगानगर, वही होगी भाई। चलो भाई जाखोत खेड़ा पे अब लगेगी लूप पे, क्रॉसिंग करवाएंगे अब दिल्ली बठिंडा के साथ। मेरे को इतना याद है यार, मैंने 2 साल पहले भी जब ये ट्रेन पहले दिन चली थी ना, मतलब एक्सटेंशन इनॉग्रल हुआ था कोविड के बाद इसका, मुझे याद इतना याद है इसी रेलवे स्टेशन पे मैंने एक क्रॉस हुआ था और वो भी इसी ट्रेन का अभी जो आ रही है यानी दिल्ली बठिंडा एक्सप्रेस, और वो भी मुझे याद है मैंने इसी जगह पे उतर के पीछे से शॉट लिया था, मेरे को याद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आप वो चेक कर सकते हो आप लोग, तो मैंने सबसे पहले बुलाया था इसका वीडियो। भैया 20 मिनट के करीब लेट है, अभी 7:10 हो रहे हैं, पहुंची है हिसार पे और मैं तो भैया बस ये बोतल लेकर आया हूँ ताकि ना गरम गरम कहीं से चाय इसमें डलवा के ले जाऊँ, क्योंकि ट्रेन की चाय में तो मज़ा नहीं आया भाई। भाई सिग्नल तो इसका हुआ भी पड़ा, अभी 2-3 मिनट हुए हैं इसको आए को। भैया 2 कप चाय डाल देना, 2 कप भी दे देना साथ में पीटी दे दे। फोन तो हो भी गया इसका, चाय भैया डलवा तो ली लेकिन उसने ज़्यादा ही डाल दी थी बॉटल में पूरी, आ भी नहीं रही तो थोड़ी इसमें डाली। अब यहीं चढ़ जाता हूँ भाई, वैसे ट्रेन मैनेजर ग्रीन लाइट दिखा देते हैं ऑलरेडी, अभी तो इसका 3rd ए भी वेकेंट ही पड़ा लगभग हिसार से भी। कप चाय के लिए इतनी भागा दौड़ी की थी लेकिन अब ट्रेन फिर रुक गई भाई हिसार पे, पता नहीं क्या हुआ इतना मेहनत करके लाया था। चलो बाकी मट्ठी फिर से खा रहा हूँ इसके साथ, ये वाली चाय ज़्यादा अच्छी है, ट्रेन की पेंट्री का तो भाई पता ही है। लगभग 7:45 के करीब ऊपर टाइम हो गया वैसे, और मतलब हिसार से जब ये निकली थी तभी मतलब कह लो कि निकलते निकलते आधा घंटा डिले आराम से हो गई थी, वो मतलब 5 मिनट फिर बाद में रुकी थी, अभी फिर भी मान लो कि 10 मिनट से कम डिले है, थोड़ा बहुत कवर करी क्योंकि दौड़ती चली जा रही है। अभी भिवानी रुकने में भिवानी भी आने में बस 5-10 मिनट लगेंगे इसको, और मतलब पेंट्री के स्टाफ ऑर्डर लेने आए थे तो हमने ऑर्डर दे दिया। वैसे पहले उनसे पूछा गया था भैया स्टैंडर्ड वेज मील, वो कह रहे थे भैया स्टैंडर्ड वेज मील में सिर्फ दाल मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, दाल चावल रोटी बस और कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि 2 सब्जियां मिलती हैं, पिछली बार मैं इसमें गया था उसमें भी 2 सब्जियां तो मिली थी मेरे को स्टैंडर्ड वेज मील में, इस बार वो जानबूझ के कह रहा होगा कल चलो पेंट्री मैनेजर से खुद ही मैं दोपहर को बजा के बात कर लूँगा कि भैया क्या माजरा है। बाकी अभी 120 वाला ही ऑर्डर दिया उनको जो पनीर वगैरह मिलेगा, दाल वगैरह मिलेगी, आलू का भुजिया भी कह रहे थे वो, मतलब 3 सब्जियां गिना दी उन्होंने 120 वाले मील में, और 1 सब्जी बोल रहे थे वो 80 वाले में, मतलब जो स्टैंडर्ड वेज मील वाले में 80 तो उन्होंने नहीं बोला, वो तो मैं ही बिल वाले बोल रहा था। बाकी यही है जो भी जो मील आता है देखते हैं, हम लोगों ने एक ही मंगवाया क्योंकि हम लोग घर से भी जो रोटी चपाती हमारे साथ घर से भी लाए वो भी पड़ी हुई हैं, तो हम लोग उसी में अभी करेंगे क्योंकि रात को लाइट ही खाते हैं हम लोग। तो चलो भाई समय से 2 मिनट ही लेट है, अब जाके पहुंची है ये भिवानी पे। यहाँ से रिवर्सल होगा अभी इसका, यार मेरे को ना अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मतलब ये मेरे को लगा था कि लेट पहुँचेगी आधा घंटा, तो ये हिसार से लेट थी, हमने ऑर्डर भी दिया पेंट्री वालों को, और अभी ये 15 मिनट तो इसका वैसे स्टॉप है, लोको वगैरह चेंज होगा, तो मैं सोच रहा था इससे अच्छा तो मैं बाहर आके, बाहर काफ़ी मेरे को दुकानें दिख रही हैं, इससे अच्छा तो मैं यहीं से कुछ ना कुछ खाने पीने को पैक करवा लेता, काफ़ी वैरायटी मिल जाती। इसको मिनी काशी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 300 से ज़्यादा टेम्पल्स हैं, और ये जो भिवानी है इसका नाम आया है एक राजपूत की रानी है
नीम नेम मतलब ऐसे भानी उसका नाम था, तो वहाँ से ऐसे भिवानी हुआ, ऐसे करके इसका नेम आया। मैं फिरोजपुर पे आपको काफ़ी कह रहा था कि ये ट्रेन लेट होगी होगी होगी, अब उसका कारण ना एक और भी है, वो कारण है क्योंकि लोको जो लगा है ना वो गुड्स लोको है, ये 100 से ऊपर जाएगा नहीं, और दिल्ली NCR मतलब अभी दिल्ली कानपुर सेक्शन में रात को चलेगी, तो कुछ कहीं ना कहीं ओवरटेक भी खाएगी सुपरफास्ट ट्रेन से। कब आ रहा है वैग 9 भिवानी से तो बाहर आ गई है, और डिनर वगैरह हमको पकड़ा गया था भिवानी पे जब रुकी थी, तो इसको जो मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड है ना जो इसकी 130 है, और वो भी गाजियाबाद से आगे एक स्टेशन होता है चिमपुर बुजुर्ग ऐसे कुछ करके, वहाँ से लेकर न्योरा जो पटना से पहले वहाँ तक, अब 130 तो छोड़ो इसने 110 भी नहीं मारनी है पूरे रास्ते, अब इस अब तक भी 110 पे ही आई थी वो, तब अब भी गुड्स लोकोमोटिव के सहारे आई थी, अब फिर से गुड्स लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक, चलो मुझे लगता है ये हाँ ये वो मतलब जाएगा वहाँ। ये वाला जो भिवानी से लगा ना, अब ये वैग 9 जा करके डिटैच होगा हमारा न्यू कुछ बिहार पे जा करके, वहाँ से फिर डीजल लगेगा लोकोमोटिव, तो जी बस यही अभी इसको खोलना पड़ेगा। वैसे ये वाली चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी, मुझे लगता है शायद स्वीट होगा क्योंकि ज़्यादा ये गर्म नहीं है, गर्म तो यही लग रहा है मेरे को, बाकी जो भी खोल के देखेंगे ये तो चलो रोटी है। अब तो मतलब रोज़ की आदत पड़ेगी ये सब चीज़ें अनबॉक्सिंग करने की ना, अभी क्योंकि अभी मैं लंबा टूर मार के आया था और उसके बाद अब इसके बाद सीधा यहीं पर आ रहा हूँ। इसमें अब अचार है भाई, ज़्यादा तो और कुछ है नहीं, चम्मच छुपा के रखा हुआ है इन लोगों ने, ज़्यादा गर्म नहीं कहूँगा इसको, ठीक ठाक ही मिला है। दाल मिली है, पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी दी है इन लोगों ने, और बस रोटियां या परांठे ये देखने वाली बात है, 2 नॉर्मल पतली पतली रोटियां दी है, ज़्यादा खास नहीं है कुछ मतलब ये काम चलाने लायक, बाकी मीठे में एक बार हो सकता है या मीठा हो कुछ, देख लेते हैं इसमें क्या मीठा देते हैं ये लोग। मीठा तो नहीं है भाई, आलू की सब्ज़ी है आलू का भुजिया है, जो भी है इसी से काम चलाना पड़ेगा आज। एक बात देखी है मैंने पेंट्री कार के, मोस्टली खाने में ना तेल वगैरह बहुत होते हैं, साइड में देखोगे ना कुछ ज़्यादा ही तेल है, दाल में तो इतना नहीं है, पनीर में बहुत ज़्यादा ही तेल डाला हुआ है इन लोगों ने। तो भैया रात के लगभग 9:30 के करीब टाइम आ रहा है, अभी डोब बहाली पे आके रोक दिया इसको, यहाँ पे मैं बाहर इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा उजाला पड़ा स्टेशन, मतलब पूरा आप देख लोगे ना लाइटिंग प्रॉपर है यहाँ स्टेशन की, और मेरा मतलब कोच है कि मेरा तो मतलब ये पहला वाला ही विंडो है ना मेरे, और जो ऊपर वाली सीट अभी लाइट बंद करके सब सो चुके हैं। पूरी खाली पड़ी है, ओल्ड दिल्ली श्री गंगानगर है। हमारा सिग्नल भी हो ही गया यहाँ पर, तो चलो जी लगभग कह लो कि 4-5 मिनट बिफोर ही अभी आ रही है रोहतक रेलवे स्टेशन पर। अब तक कुछ 354 किलोमीटर कवर किया इसने फिरोजपुर से रोहतक तक का, रात काफ़ी हो गई है 9:45 के करीब टाइम होगा, यही तो शुक्र है चलो यहाँ पे बिफोर आई है, मतलब गिने चुने स्टेशन ही है जहाँ पे बिफोर पहुँची है टाइम पे। और ये हरियाणा का मतलब 6वां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है, और रेल के बारे में एक फैक्ट बताऊँ ना, मैंने देखा तो रोहतक से इंडिया की पहली CNG ट्रेन चली थी, यहाँ यहाँ से रेवाड़ी तक की इंडिया की पहली CNG ट्रेन यहीं से चली थी, अब तो चलो काफ़ी वैसे फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी चलती गई दिल्ली तक भी कनेक्ट होती गई, ऐसे फिर मतलब फैलती चली गई। वैसे अब तक हम लोग सिंगल लाइन रूट से आ रहे थे, और रोहतक के बाद अब हमारा रूट डबल होगा, चलो थोड़ा बहुत पिकअप करेगी, पिकअप भी मतलब कितना करेगी, 100 से ऊपर तो जाएगी भी नहीं, और मुझे लगता रात को कई ओवरटेक खाने वाली है ये, चलो देखी जाएगी। रोहतक से तो भाई निकल चुकी है, वैसे भी रात ज़्यादा हो चुकी है, गेट पर रहना सेफ है नहीं, अभी अंदर ही चलता हूँ यार, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, वैसे भी बहुत लंबी जर्नी है, बाकी सुबह देखेंगे। तो भैया गुड मॉर्निंग, वैसे सुबह के भी 7:30 के करीब टाइम हो रहा है, मैं तो आराम से उठा था, मतलब 7:15 के करीब तो मेरी नींद ही खुली है। अभी ये प्रयागराज पहुँचने में भी मतलब अभी 40 किलोमीटर यहाँ से होगा प्रयागराज, वैसे रात में मैंने देखा ये कानपुर भी टाइम पे पहुँची थी, पूरे 1 मिनट पहले जाके पहुँच खड़ी हो गई थी कानपुर भी, और मैं तो अभी चलो अब उठा हूँ लोकेशन चेक किया था, मतलब मेरे को लगा था कानपुर भी जाते जाते शायद हो सकता डिले हो जाए, लेकिन नहीं भैया सही टाइम पर पहुँच गई थी पूरा, और वो इसलिए भी मैंने फिर बाद में देखा कि इसका आई थिंक 435 किलोमीटर है इसका नई दिल्ली से कानपुर, यहाँ कानपुर भी देखा जाए तो इसमें भी इसको मतलब 5.5 घंटे स्लैक दिया हुआ है, 100 किलोमीटर की पर स्पीड से भी अगर ये जाए
तो फिर भी ठीक है ना, अगर 100 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आवर में अगर कवर करे तो उस हिसाब से फिर भी यार ठीक, बहुत टाइम दिया यार इसको। और ओवरटेक में मुझे लगा रात को इसमें कोई भी पड़ा होगा, क्योंकि मोस्टली ट्रेन तो इसके आगे चल रही थी, पीछे बस ब्रह्मपुत्र मेल चल रही, उसका टुंडला वगैरह भी स्टॉप वगैरह है दिल्ली कानपुर नॉन स्टॉप, तो यही है, तो इसी को आगे रखा गया। अभी तब तक पहुँचनी तब तक फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ सुबह का, ना तो ब्रश किया ना कुछ। तो लो भाई अभी प्रयागराज जंक्शन पे पहुंची है, इस साइड पे हमारी आई है और इस साइड पे तो चौरी चौरा खड़ी हुई है। यहाँ पे भैया काफ़ी लोग उतरे हमारी ट्रेन से, ज़्यादा चढ़ा तो कोई नहीं, लगभग मुझे लग रहा कोई थोड़ा बहुत खाली हुआ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं आधा घंटा लेट है, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो मैं तो रात को तो भैया मेरी एक मतलब हिसाब लगा रहा था कि ये 1.5 घंटा तो कानपुर ही लेट कर देगी सुबह जाते जाते। वैसे यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है, रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन का, उस वजह से काफ़ी थोड़ा बहुत ना प्लेटफॉर्म भी नैरो कर दिया, ज़्यादा स्पेस है नहीं। उस साइड पे भी ऐसा ही हाल है, जिस हिसाब से यहाँ पे सीन बना हुआ है, खाने पीने का सामान आपको पीछे मिलेगा, क्योंकि आगे भैया स्टॉल्स वगैरह ज़्यादा है नहीं, बस गिने चुने हैं बस ये है। मतलब खाने पीने का ना बस स्नैक्स वगैरह मुश्किल से मिलेगा, बस टाइम पास जितना बिस्किट वगैरह और एक आगे स्टॉल मिलेगा, और कुछ खास नहीं यहाँ पे मिलेगा। नहीं, संगम सिटी में आया यार, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है यार यहाँ पे, हो गया सिग्नल। ये प्रयागराज ट्रेन से भी लेट ट्रेन ज़्यादा रुकती नहीं है यहाँ पे, और राजधानी तो बिल्कुल भी नहीं रुकती हैं, गिनी चुनी राजधानियाँ रुकती हैं। अभी प्रयागराज से निकलने के बाद कुछ टाइम बाद फिर आउटर पे रुक रही है, लेकिन हम लोग ना सुबह की चाय ना प्रयागराज से ही इसमें फिर डलवा ली, जैसे कल हिसार से डलवाई थी। और हमारे पास वैसे बिस्किट तो खा रहे, ड्राई फ्रूट्स है कुछ, मतलब आज का सुबह का थोड़ा बहुत यही है, लाइट लाइट ही लेंगे, बाकी आगे का देखेंगे, आगे मेरे हिसाब से DDU के हिसाब से देखेंगे। Yeah. Rockstar Entity.